हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, अगर आप रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। फाइनली गाइस, शाओमी की तरफ से काफ़ी टाइम के वेट करने के बाद रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के लिए एक न्यू अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। इस अपडेट का वर्जन आप देख सकते हैं, 11.0.8.0 ये अपडेट आपको मिल जाता है। एंड इस अपडेट का साइज है 597 MB। और गाइस, डिसअपॉइंटेड वाली बात ये है कि इस अपडेट के साथ आपको एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को नहीं मिला है। एंड्रॉयड पाई के ऊपर ही ये अपडेट आपको बेस मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे Redmi Note 10 Pro के इसी न्यू अपडेट के बारे में। इस अपडेट में क्या कुछ चेंजेस आपको प्रोवाइड किए गए हैं और Android 10 का अपडेट कब तक मिल जाएगा Redmi Note 10 Pro में, और ये अपडेट अभी तक जिन यूजर्स को नहीं मिला है तो सबको ये अपडेट कब तक मिल जाएगा, तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सारे इस वीडियो में उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। वीडियो लाइक टारगेट है 500 का, आई होप आप जरूर कंप्लीट करेंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि Redmi Note 10 Pro में कोई भी न्यू अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइज, अगर हम बात करें Redmi Note 10 Pro के इस न्यू अपडेट के बारे में, तो अपडेट का फुल वर्जन यहाँ पर आप देख सकते हैं, 11.0.8.0 आपको अपडेट मिल जाता है। एंड अपडेट का कोड आप देख सकते हैं PFHINXM। तो पी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एंड्रॉयड पाई को। तो एंड्रॉयड 9 के ऊपर ये अपडेट आपका बेस है, एंड्रॉयड 10 यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। एंड्रॉयड 10 मिलने में अभी आपको टाइम लगेगा, तो कब तक आपको मिलेगा उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। स्टेबल अपडेट है आज ही ये अपडेट Redmi Note 10 Pro के लिए। लगभग 2-3 महीने के बाद एक नया अपडेट आया Note 10 Pro के लिए। तो गाइस, इसी बात पे वीडियो पे एक लाइक जरूर बनता है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। एंड इस अपडेट का साइज आप देख सकते हैं 597 MB अपडेट का साइज है, तो बड़े साइज का ही अपडेट आपको मिलता है। चेंज लॉग में आप देख सकते हैं, लेकिन एक ही पॉइंट मेंशन किया गया है कि फरवरी 2020 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिल जाता है, इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। तो गाइस, इतने बड़े साइज का ये अपडेट आपको मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली फरवरी 2020 का सिक्योरिटी पैच लेवल प्रोवाइड किया गया है। तो इसके लिए इतने बड़े साइज के अपडेट की जरूरत नहीं थी, 100-200 MB का अपडेट भी सफिशियंट था। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं 1-2-2020 यानी 1 फरवरी 2020 का सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिल जाता है, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर हम बात करें एंड्रॉयड 10 का अपडेट कब तक मिलेगा, तो गाइस रेडमी नोट 10 प्रो में जो एंड्रॉयड 10 का अपडेट है वो यहाँ पर अप्रैल एंड तक आपको देखने को मिल सकता है। तो लीक्स के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो अगला अपडेट होगा, हो सकता है कि डायरेक्टली उसमें ही आपको एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिल जाए, लेकिन गाइस आपको अप्रैल एंड तक ये अपडेट यहाँ पर मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और गाइस, अगर हम बात करें इस अपडेट के कुछ चेंजेस के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अपडेट अभी तक कुछ ही सिलेक्टेड यूजर्स के लिए टेस्टिंग के लिए रोल आउट किया गया है। अगर आपको अभी तक ये अपडेट नहीं मिला है तो 1 वीक का वेट कर लीजिए, जल्दी आपको ये अपडेट रोल आउट कर दिया जाएगा। तो 20 मार्च तक या फिर उससे पहले पहले कभी भी ये अपडेट आपको मिल सकता है। एंड इस अपडेट की जो डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो इस अपडेट को आप डाउनलोड लिंक की हेल्प से भी डाउनलोड करके अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई आपके डिवाइस का डाटा इरेज नहीं होगा। एंड फ्यूचर के अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। और गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो सेटिंग्स में सिस्टम ऐप अपडेटर है, यहाँ पर जो सिस्टम लॉन्चर का अपडेट आया होगा, गैलरी एप्लीकेशन का, म्यूजिक एप्लीकेशन का, वेदर ऐप का, सभी को आपको सिंपली अपडेट कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सभी को अपडेट कर लिया है। जो सिस्टम लॉन्चर है उसमें ऐप ड्रोअर का फीचर फाइनली प्रोवाइड कर दिया गया। आप देख सकते हैं व्हाट्स न्यू के अंदर ऐप ड्रोअर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया ऐप कैटेगरीज के साथ। तो अगर आप इसको अनेबल कर लेंगे, मतलब इसको यहाँ से अपडेट कर लेंगे, तो जो होम स्क्रीन के अंदर जो आपका ऐप ड्रोअर का फीचर है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जा चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ऐप ड्रोअर के अंदर यहाँ पर आप बैकग्राउंड भी अगर आप डार्क करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अप्लाई करके यहाँ पर डार्क कर देता हूँ, तो भी गाइज आप देख सकते हैं बैकग्राउंड डार्क हो चुका है। अगर आप वाइट करेंगे तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ, एंड भी गाइज आप देख सकते हैं बैकग्राउंड यहाँ पर वाइट हो चुका है। तो गाइज फाइनली यहाँ पर सिस्टम के अंदर आपको ऐप ड्रोअर का फीचर प्रोवाइड किया जा चुका है। और दोस्तों, गैलरी के अंदर अगर हम एडिटिंग में जाएं फिल्टर्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्काई रिप्लेसमेंट का फीचर आपको मिल चुका है। काफ़ी सारे यूजर्स को पहले ही मिल गया था जिन्होंने गैलरी ऐप को अपडेट कर लिया था, जिनको नहीं मिला तो इस अपडेट के साथ मिल चुका है। एंड दोस्तों, जिनको गैलरी ऐप में ये फीचर पहले से ही मिला था, तो उनके लिए यहाँ पर कुछ और गैलरी के लिए एडिटिंग यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो स्काई रिप्लेसमेंट के अंदर 2-4 और नए ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो इस अपडेट के बाद आप इन्हें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड का जो स्काई है उसके कलर्स आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। और गाइज, इस अपडेट के साथ जो आपका वाईफाई कॉलिंग का फीचर है वो भी यहाँ पर अनेबल हो चुका है, तो वाईफाई कॉलिंग का भी बेनिफिट यहाँ पर आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो।
मुझे बस आपको यही इन्फॉर्म करना था कि फाइनली यहाँ पर Redmi Note 7 Pro के लिए अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको अपडेट मिला तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं मिला है तो 1 वीक का आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा इस अपडेट के लिए। बाकी गाइज नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, उसमें मैं आपको इस अपडेट के टॉप फीचर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज मिलते रहे। तो आज की वीडियो में के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।